नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर से वो फाइल शेयर करके मैंने व्यू देता हूँ और कॉल्स भी देता हूँ। तो आप लोग को वो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोग को दिखाऊँगा। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आप लोग को इसका इफेक्टिवनेस पता चल जाएगा और कैसे यूज़ करना है उसको भी आप लोग को पता चल जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये मेरा चैनल पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर देता हूँ और बाय सेल लेवल इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का रिकमेंडेशन देता हूँ अगले दिन के लिए। और इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है जो आप लोग को 90% एक्विटी से काम के 90% एक्विटी के साथ प्रॉफिट बनाने के लिए हेल्प करेगा। और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा और आसान हो जाएगा। तो इसमें सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि इस बाय सेल लेवल में जो स्किनर मैंने दो फाइल बना था वो बाय सेल लेवल कम स्किनर और बाय सेल लेवल 3। तो बाय सेल लेवल कम स्किनर में तीनों बाय सेल लेवल रहता है, बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3। मैंने वो फाइल मैंने मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जिसका लिंक आप लोग को इस यूट्यूब वीडियो को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने शेयर करता हूँ रेगुलर बेसिस पे और उसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। मैंने ये बाय सेल लेवल 1 का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और बाय सेल लेवल 3 का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और जिसमें बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग इसमें स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या रहता है नहीं रहता है। आप लोग पिछले वाला वीडियो देख लीजिए प्लीज़, नहीं तो इधर मेरा देर हो जाएगा और ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने देखिए इसको डाउनलोड कर लिया, जो फाइल मैंने शेयर किया था उसको मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आज का जो करंट हाई लो क्लोज है उसको बैठा लिया। उसके बाद फॉर्मूला दिया कि जो करंट हाई है उसका वो मेरा बाई का लेवल से ग्रेटर होना चाहिए और जो से लो का करंट लो है वो मेरा सेल का लेवल से लो होना चाहिए। तो देखते हैं, ये देखें ACC मैंने फर्स्ट जो स्टॉक है उसका देखता हूँ। ACC देखिए इसका बाई और सेल लेवल आप लोग देखा है कि दोनों का मैच हुआ है। तो ये इधर 1449.45 इसका बाई का लेवल था और 1439.20 सेल का लेवल देखते हैं। चार्ट पे एक बार कहाँ पर उसको देख लेना भी ज़रूरी होता है और क्योंकि आप लोग कल का हिसाब से मैंने आज का भी फाइल शेयर किया था उसमें भी आप लोग देख सकते थे। मतलब मैंने लाइव मार्केट में भी इसको अपडेट करके दे देता हूँ। तो देखिए इधर जो ओपन हुआ था 1443 पे और 1449 आप लोग देख सकते हैं, इधर 1449 इसका बाई का लेवल था 1449.45 और इधर 1443 में ओपन होने के बाद ये 1466 तक हाई गया था। तो 66 तक हाई गया था, तो पहले आप लोग 1461 तक आप लोग आसानी से प्रॉफिट कमा सकते थे। 1447 से 1450 में आप लोग आराम से एंट्री ले सकते थे। तो और लो हुआ है 1438.25, ये नेग्लिजिबल है। इधर 1438 या 1439.20 ऐसा कुछ था, ये इसको कंसीडर करने का नहीं जरूरत है। और बाइस लेवल 3 में देखिए इसका सेल का लेवल आया था, सेल का लेवल था इधर कहाँ से 1441 से और 1438 तक हाई गया था, सॉरी लो गया था। तो इस एक हो गया, देखते हैं और क्या। मैंने कुछ रिकमेंडेशन शायद दिया था, मैंने देख लेता हूँ उसको। देखिए यह रिकमेंडेड स्टॉक्स है और फार्मा, इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस, इंडिगो, RBL बैंक, ये सब मैंने देखता हूँ। मैंने लाइव मार्केट में भी कॉल देता हूँ और आप लोग इधर इसको भी चेक कर सकता है, इधर टाइम भी देख सकता है और कहाँ कैसे प्रॉफिट दिया ये सब आप लोग चेक कर सकता है। और मैंने सोच लीजिए मैंने और फार्मा का देखता हूँ, और फार्मा का क्या हुआ है। और फार्मा देखिए इधर 458 इसका बाई का एंट्री लेवल था, 458.81 और 453 इधर 453.45। और फार्मा को एक बार देख लेते हैं,
इधर ऑरो फार्मा, लगा हुआ था इधर देर हो रहा है, तो मैंने कुछ भी दिखा देता हूँ। सोच लीजिए इधर जो मेरा वॉच में, मार्केट वॉच में लगा हुआ है, उसको दिखाता हूँ। उज्जीवन देखिए, उज्जीवन मेरा मैं देखता है कहाँ पर बाय सेल लेवल लगा है। उज्जीवन उज्जीवन इसका बाय सेल लेवल आया था क्या नहीं आया था, 328.04 में इसका बाई का लेवल था, 325.18 में इसका सेल का लेवल था। तो ये ओपन हुआ था 330 और ऊपर गया था 331, तो इसका लेवल आया था। अब लोग इधर फर्स्ट 10 मिनट में इसका इसका फर्स्ट में तो इसका सेल लेवल नहीं आई, बाई का लेवल नहीं आया था। उसका सेल लेवल आप लोग ले सकते थे, सेल लेवल 325.15 के नीचे आप लोग सेल का लेवल ले सकते थे, 325 का नीचे जो जो सेल का लेवल ले सकते थे। तो ये 324.20 तक ये लो गया था, 324.20 तक ये देखिए, ये 324.3 में लो गया था। उसके बाद 329.81 में इसका हाई बाई का लेवल था, 328.04 में उधर से आप लोग जब ले सकते थे। तो इधर 331 तक चला गया था। मैंने देखता है इधर मेरा चार्ट का जो लगा हुआ है वो देखता है, नहीं तो एक एक करके ढूंढूंगा तो मतलब देर हो जाएगा। सोच लीजिए बालकृष्ण देखता हूँ, बालकृष्ण में आप लोग इधर देखते हैं, बालकृष्ण में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ये 950.95 इसका वाई लेवल था, 946.71 सेल का लेवल था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ओपन हुआ था 948 और इधर ओपन इधर बाई का लेवल था, बाई का लेवल था कहाँ गया, बाई का लेवल था 950.95 के ऊपर ये 955 तक गया था, 955 तक गया था इसका बाई का लेवल। और सेल का लेवल था इसका, सेल का लेवल इसका था 946.70 के नीचे ये आया था, 946.70 के नीचे ये आया था। इधर जब 946.70 के नीचे आया था ये गया था 943 आ गया था। और इसका इधर भी एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मतलब इधर मतलब बाई लेवल 3 में इधर 970 इसका बाई का लेवल नहीं आया था, सेल का लेवल एंट्री लेवल था 949.50। तो इसका इधर 949 से 943 आया था। उसके बाद और भी देख लेते हैं, सोच लीजिए डीवी स्लैब देखते हैं, डीवी स्लैब जो 1862 में ओपन हुआ था, डीवी स्लैब का देखते हैं, डीवी स्लैब को देखते हैं, इसका बाई का एंट्री लेवल था 18.1858.97 मतलब 1859 ही पकड़िए, 1859 के ऊपर गया नहीं है ये, 1859 इधर बाई का लेवल नहीं आया था। इसका सेल का लेवल देखता है, सेल का लेवल था 1848, तो 1848 के नीचे 1833 था। जो फाइल है उसको भी देख लेता है, वो फाइल यूज़ करते थे तो कहाँ होता था। इधर भी सेल का बाई का एंट्री लेवल आया था, नहीं आया था, इधर 1845 से 1833 आ गया था। तो इधर आप लोग देख ले सकते हैं। उसके बाद और भी देखते हैं, ICICI बैंक को देख लेते हैं।